चर्चा का विषय बना हुआ है जिसमें एक व्यक्ति शराब दुकान में शराब खरीदने जाता है। उस ग्राहक को दुकानदार एमआरपी से ज़्यादा कीमत पर शराब देता है। जब ग्राहक बिल मांगता है तो उसे बिल नहीं देने के बहाने बनाए जाते हैं। ऐसा नज़ारा शराब की हर दुकान में देखा जा सकता है। भैया कल कैसे आके भी आप भी मना कर दिए, हम चले गए। बीपी का बच्चा है, बीपी का काम खत्म भी आते हैं। अरे अब भी तो लेके गया बीपी का, दो बच्चे, एक एक क्यों भैया, एक तो कैंग फेसर दे दो यार भैया, कल भी लौटा दिए। कितने का? कितने का? 100 रुपए। अरे 85 रुपए दादा, बिल बना के दो तो उसका। बिल नहीं है बच्चे, बिल नहीं है। बिल बना के दो ना भाई, बिल तो है ना, बिल बनाओ ना। अरे ये तो लिखा ना 85 रुपए, नंबर से कहा बताओ ना, देखना पड़ेगा उसका। चलो ठीक। वायरल हो रहे इस वीडियो के बारे में जब जिला आबकारी अधिकारी को बताया गया तो उन्होंने कहा कि शराब दुकान वालों से अगर कोई बिल मांगता है तो उन्हें बिल देना पड़ेगा और वो एमआरपी से ज्यादा पर शराब नहीं बेच सकते। वहाँ पर अधिक मूल्य पर मतलब एमआरपी रेट से भी ज्यादा वो रेट लिए जा रहे हैं कस्टमर से, और बात विवाद करते का एक वीडियो भी सोशल मीडिया में वायरल हुआ। बकायदा उसने पैसे भी दिए और उसके बाद उसने ज्यादा पैसे लिए और उसको वापस कर बिल भी ना देने की बात कही है और बहस भी की, ऐसी कुछ बात आप लोगों के द्वारा बताया गया है। हम अभी इसमें अपने प्रभारी को नोटिस जारी कर रहे हैं कि इस संबंध में अपने सारे तथ्य प्रस्तुत करें और ऐसी कोई घटनाएं ना हो। अभद्र व्यवहार बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए दुकानों पे। मदरा उपभोक्ता यदि उसका शुल्क अदा कर रहे हैं तो बाकायदा उनको जो रेट निर्धारित है उस पर ही दिया जाए। इस संबंध में मैं कार्रवाई के आदेश देता हूँ, थैंक यू। वही वीडियो को भी जिला आबकारी अधिकारी ने संज्ञान में लिया है, जिसकी जाँच के बाद दुकानदार के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। कटनी से सुनील यादव की रिपोर्ट।